ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री मुक्तसर साहब की धरती की गल करिए तो इतों की माघी बहुत ही प्रसिद्ध है। हर साल लखों की गिणती में संगत श्री मुक्तसर साहब की धरती से दर्शन दीदारे करने के लिए पहुँचती है। माघी के जोड़ मेल से इस बार असीं तुहानूं इस धरती से सारे गुरुधामां के दर्शन दीदारे करा रहे हैं। इस मौके असीं खड़े हाँ गुरुद्वारा टिब्बी साहब विखे। इत्थों का की इतिहास है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे कदों आए सन ते की गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस धरती ते कौतक वरताए, असीं ये इतिहास जाणांगे। साडे नाल भाई सोहन सिंह जी मौजूद ने, गलबात करते हैं। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री मुक्तसर साहब की धरती ते कई गुरधाम ने जिन्हां दे असीं दर्शन दीदार संगत नूं करा रहे हैं। जेकर गुरुद्वारा टिब्बी साहब की गल करिए, इस दा की संबंध है दसम पातशाह दे नाल? दसम पातशाह इत्थे कदों आए, की उन्हां ने कौतक वरताए? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह जी। ये गुरुद्वारा टिब्बी साहब जिथे आप ये दर्शनदारी कर रहे हो, 1705 ईस्वी दे विच विक्रमी सन 1762 दे विच सतगुरु जी इस पावन धरती ते पहुँचे सन। जदों उन्होंने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया, चमकौर तो माशीवाड़े हुंदे रायकोट हुंदे हुए कोटकपुरे पहुँचे। कोटकपुरे ते जदों कपूरे तो किला मंगया गया, उसने इनकार कर दिता। सेवा बहुत की। सतगुरु जी कोटकपुरे जो इस पावन स्थान ते पहुँचे, खदराने की ढाब ते पहुँचे, तो इत्थे सिखां दी बेनती दे नाल, भाई दान सिंह की बेनती दे नाल सतगुरु जी इस उच्चे टिब्बे ते जिहड़ी सी आण के बैठे विराजमान होए। इत्थे सतगुरु जी ने आसन लाए। जंग जिहड़ा सी वो खदरां दी ढाब ते हो रहा सी। सतगुरु जी इस जगह तो जंग दा कौतक भी देखदे, तीरां दी बारिश करदे होए उन्हां दे दुश्मनां दा आऊ भी लाउंदे रहे। इस पावन स्थान ते सतगुरु जी ने आण के आसन लाया ते नाल ही जिहड़ा सी जंग दा कौतक देखदे रहे ते दुश्मनां ते जिहड़े सी तीरां दी बारिश भी करदे रहे। किन्ना समां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस थां ते रहे? जेकर ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? भाई दान सिंह जिहड़े सी वो बराड़ इस इलाके दे रहन वाले सन ते सतगुरु दे नाल ही पिछों जिहड़े कोटपुरे तो नाल ही आ रहे सन। इत्थे आण के उन्होंने, क्योंकि इलाके दे रहन वाले सी, ये जंगल इलाका सी, उन्होंने सारा इस इलाके दा भेद सीगा कि कित्थे जिहड़ा वो जल मिल सकदा, किहड़ी जगह इत्थों उच्ची है। इस करके भाई दान सिंह जी ने कहा कि सतगुरु जी इस ढाब के नालों ये जगह उच्ची है, उच्चा टिब्बा है। इत्थे दुश्मनों के नाल जंग भी जड़ा बड़ा वधिया तरीके नाल लड़िया जाऊगा तो दुश्मनों ते मार भी ज़्यादा हो सकती है। इस करके भाई दान सिंह ने सिखा ने सलाह दी कि सतगुरु जी इस जगह ते आण के फिर आसन लाए। इतिहास मुताबक उस समय इस स्थान की किहो जी बनतर सी, किन्ना को उच्चा टिब्बा सी, आले दुआले किहो जा माहौल सी, जंगली सी, जां इत्थे लोग किन्ने कु गिणती दे विच रहिंदे सन? नहीं, उस समय जिहड़ा सी ये इलाका सारा जंगल का इलाका सीगा, इत्थे वसों का इलाका नहीं सीगी, वसों किसी दी नहीं सीगी। उस समय जिहड़ी वो एक ढाब जिहड़ी सी खोदी हुई सी खदराने खत्री वालों। तकरीबन जिन्ना भी श्री मुक्तसर साहब का शहर जिहड़ा वो ढाब दे विच ही जिहड़ा वो बज्जा है ते ये जगह अज भी उस शहर नाल उच्ची है। उस समय भी ये काफ़ी उच्चा टिब्बा सी। इस करके सतगुरु जिहड़े सी इस टिब्बे ते आण के उन्होंने आसन लाया ते इत्थों जिहड़े जंग दे कौतक देखिया ते जंग जिहड़ी सी वो दुश्मनां नाल तीरां नाल इत्थों वार करदे लड़ी भी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस जगह तो देखते होणगे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ कौतक, इत्थों तीरां दी जिहड़ी बुछाड़ भी वो दुश्मनों के उपर, वैरिया के उपर करते रहे। जदों भाई महा सिंह के कोल जाते हैं, उन्हों की बेनती से गुरु गोबिंद सिंह महाराज उदों इस जगह तो ही जाते? हाँ जी, जो भाई महा सिंह जिहड़े ने वो सहकदे ने 39 सिंह शहीदियाँ लै चुके सन। जदों भाई महा सिंह जी ने बेनती की, अरदास की सतगुरु जी आप जी के दर्शन जोड़े ने हो जाए, तो सतगुरु जी इस जगह तो ही जोड़े से उन्होंने फिर दर्शन देने वास्ते, अपने सिंघां नूं जिहड़ा सी अशीर देने वास्ते उन्होंने मुक्तियां दा खिताब देने वास्ते इस जगह तो जोड़े से चले सन। गुरुद्वारा टिब्बी साहब मुक्तसर साहब दे जिहड़ा गुरुद्वारा टुट्टी गंडी साहब है, उस तो कितनी कु दूरी ते है? जिहड़ी संगत माघी मौके गुरुद्वारा टिब्बी साहब के दर्शन दीदारे करन आउंदी है दूर दराडे तो, लोकल संगत नूं तां पता है जिहड़ी दूर दराडे तो संगत आउंदी है, जे उन्हां नूं दसना होवे कि इह गुरुद्वारा गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहब तो किन्नी कु दूर है, जां इस दे पास केड़े केड़े गुरुद्वारे ने वो जरूर दसो। ये गुरुद्वारा टिब्बी साहब जड़ा जी ये श्री दरबार साहब टुट्टी गंढी साहब तो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर पै जाता है। इत्थे टिब्बी साहब के नाल 2 गुरुद्वारे साहब होर हैं। एक गुरुद्वारा रकाब सारा जी बिल्कुल ही नेड़े है, दूसरा गुरुद्वारा दातन सारा जड़ा इत्थों कोई अद्धा किलोमीटर अगे पै जाता है। जिवें आम तौर पर आपां गुरु घरां दे दर्शन दीदारे करन जांदे हैं, जिहड़े गुरु साहिबान नाल गुरधाम हुंदे ने उत्थे कोई ना कोई गुरुआं दी निशानी हुंदी है, जां कोई पुरातन शास्त्र हुंदे ने, जां कोई पुरातन गुरु साहिब दे बस्तर हुंदे ने, कोई धार्मिक ग्रंथ हुंदे ने, जिन्हां दे दीदारे दर्शन दीदारे करन संगत पहुंचदी है। जेकर इत्थों दी गल करिए, इस स्थान ते गुरु साहिब दे समें दा कोई शास्त्र जां कोई यादगार है? सतगुरु दे जिहड़े शास्त्र ने जां बस्तर ने वो तो दमदमा साहिब की तलौंडी विखे हैं, क्योंकि सतगुरु ने इत्थों जाके जिहड़ा कमर कसा सी वो दमदमा साहिब की पावन धरती ते खोलिया सी। पर इत्थे सतगुरु दे घोड़े की जो रकाब टुटी सी जो टिब्बी साहिब तो चलन लगे सन, तो वो रकाब जिहड़ी आ उत्थे गुरुद्वारा रकाब साहिब जरूर रखी गई है। उन्होंने दर्शनदार जिहड़े ने वो करवाए जाएंगे। होर इत्थे जे शस्त्र जां वस्त्र सतगुरु दे नहीं हैं। नहीं जी, ये वन साहब जो टिब्बी साहब के नाल नज़र आ रहा सामने, ये पुरातन समय ते आ। सतगुरु जो आए सी उस समय भी वन है सी, ते गुरुद्वारा जो टुट्टी गंढी साहब के वन आ वो भी सतगुरु के वेले का पुरातन समय का ही आ। उस समय काफ़ी वड्डा सी वन, वो सतगुरु ने घोड़ा भी बनिया सी। इस करके जिन्ने भी वन ने गुरु साहब सारे ये पुरातन समय के हैं। गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहब के नाल इस स्थान की तुसीं जानकारी दित्ती, गुरुद्वारा टिब्बी साहब बारे संगत नूं तुसीं दस्सिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। ये सन भाई सोहन सिंह जिन्हों ने गुरुद्वारा टिब्बी साहब के दर्शन दीदारे कराए ने, नाल नाल इत्थों का इतिहास बहुत ही विस्तार दे नाल ते थोड़े शब्दों के विच बयान किया है। जिहड़ी भी संगत माघी के जोड़ मेल मौके श्री मुक्तसर साहब की धरती पर पहुँचती है, वो भी इस स्थान के दर्शन दीदारे जरूर करे, क्योंकि ये वो स्थान है जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने चरण पाए सन, तो इत्थों ही तीरां की बुछाड़ के नाल वैरियां दीयां हिक्कां नूं विन्हिया सी।